भगवती देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं ये श्री सुक्तम स्तोत्र। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद ग्रंथ में प्राप्त होता है। इस दीपावली और धनतेरस के अवसर पर हम देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु इस श्री सुक्तम पाठ का उच्चारण करते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणिम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमानपगामिनिम यस्याम हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं अश्वपूर्वां रथ मध्यां हस्तीनाद प्रबोधिनिं श्रियं देवीमुपह्ये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामी होपये श्रियं प्रभासां यशसा लोके देवजुष्टामुदाररं पद्मिनीमिं शरणं महं प्रपद्ये लक्ष्मी मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायांतरायाश्च बाह्य अलक्ष्मीः उपैतु मां देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणाम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामीहोपये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रेषयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता संभव कर्दम श्रियं वासय मे कूले मातरं पद्ममालिनीं आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित्व सगृहे नीच देवी मातरं श्रियं वासय कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह आर्द्रायः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमानपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्योष्वान् विन्देयं पुरुषानहं यशुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सुक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपे पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षि पद्मसंभवे त्वं मा भजस्व पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे पुत्रपौत्र धनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां धनमग्निर्धनं वायु धनं सूर्यो धनं वसुः धनं इन्द्रो बृहस्पति वरुणं धनमश्नुते वैनतेय सोमंपि सोमंपि वतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमीनो मह्यं ददातु न क्रोधो न च मात्सर्य
न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपे वर्षन्तु ते विभावरी दीवो अभ्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यौ ब्रह्म द्वेषो जहि पद्मप्रिये पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्त्व यासा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तन्भर नमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरिया लक्ष्मीदिव्यैर्गजेन्द्रमणिर्गण खचितैस्नापिता हेमकुम्भे नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनया श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेव वनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मदकटाक्षलब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसि जां वन्दे मुकुन्द प्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जय लक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वरां कुशोपाशभीतिमुद्रां करैर्वहन्ति कमलासनस्थानं बालार्ककोटिप्रतिभात्रिनेत्रां भजेऽहमाद्यां जगदीश्वरीं त्वां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तु ते सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीदमयं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां विष्णोः प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवर्चस्य मायुष्यमारोग्यम् अविधात् पवमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ऋणरोगादिदारिद्र्य पापक्षुदप अमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा य एवं वेद ॐ महादेवे च विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।